हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन वाउचर होते हैं, परचेज, सेल, पेमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या बैंकिंग संबंधित जो वाउचर होते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली रूप से टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप टेली या अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को देखने से पहले आप अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स, टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और लेजर और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये वीडियो आप जरूर देखें। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब हमने स्टार्टिंग में बेसिक अकाउंटिंग सीखने की क्लास शुरू करी थी तब हमने ये कुछ मैनुअल बुक्स के लिए अकाउंटिंग वाउचर बनाए थे, यानी कि इसमें हमारे परचेज वाउचर, कुछ हमारे सेल्स वाउचर थे, कुछ हमारे पेमेंट वाउचर थे, कुछ रिसिप्ट वाउचर थे, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के वाउचर थे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह वाउचर हमने बनाए थे। और इन्हीं अकाउंटिंग वाउचर के आधार पर हमने हमारी जर्नल एंट्रियाँ बनानी भी सीखी थी कैश बुक में, और इन्हीं जर्नल एंट्रियों से हमने लेजर भी क्रिएट किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं मैनुअल अकाउंटिंग वाउचर से, यानी कि इन अकाउंटिंग वाउचर को टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन किया जाता है, एक प्रैक्टिकल, एक प्रोफेशनल तरीके से ये सीखेंगे। और कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशन की भी सेटिंग करनी होती है वाउचर को पोस्टिंग करने से पहले। तो फ्रेंड, चलते हैं हमारी टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर और वहाँ पर इनको कैसे पोस्ट किया जाता है ये सीखते हैं। सेलेक्ट करेंगे हमारी कंपनी श्री श्याम ट्रेडर्स को और हमारा टाइप करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। और अब आगे हमें टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के होम पेज पे, और अब हमें अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करना सीखना है तो इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली के ट्रांजैक्शन मेन्यू पे अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जब हमने अकाउंट्स और इन्वेंट्री जब क्रिएट करी थी तब हमें अकाउंट्स और इन्वेंट्री पे क्लिक किया था। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स पे क्लिक करके इंटरप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी अकाउंटिंग वाउचर को पोस्ट करने से पहले वो होती है, अगर हम किसी भी बिजनेस की मैनुअल बुक्स की, यानी कि मैनुअल बुक्स, यानी कि मैनुअल बुक्स तैयार कर रहे हैं और उस मैनुअल बुक्स को फर्स्ट टाइम टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम मेंटेन करने जा रहे हैं, तो कोई भी वाउचर पोस्ट करने से पहले कुछ वाउचर नंबर से संबंधित जो कॉन्फिग्रेशन होती है वो हमें चेंज करनी होती है। यानी कि कुछ जो वाउचर नंबर, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वाउचर्स नंबर होते हैं ये टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक ही रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से। अब जैसे आप पेमेंट वाउचर अगर हम देखेंगे तो हमारे 1, 2, 3 रहेगा, रिसिप्ट वाउचर देखेंगे तो भी 1, 2 रहेगा, सेल्स वाउचर करेंगे तो भी 1, 2 रहेगा, अगर हम परचेज वाउचर देखेंगे तो भी 1, 2 रहेगा। लेकिन अब हमें इनको ऑटोमेटिक हटा के मैनुअली करना है। अब मैनुअली करना क्यों ज़रूरी है? अब मान लीजिए हम जैसे हमने सेल्स वाउचर पोस्ट करना है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाउचर नंबर आ रहा है 1, और हमारा अगर वाउचर नंबर अगर हम देखें तो जैसे 002 या 001 से शुरुआत हो रही है, तो हम ये चाहेंगे जो हमारा इनवॉइस नंबर है 001 वो हम यहाँ पे टाइप करें और बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 को हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसको वाउचर से जो नंबर होते हैं सेल्स इनवॉइस के, वो इस रेफरेंस नंबर में लिख दिए जाते हैं, जो कि हमें रियल प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पर रेफरेंस नंबर में लिखने नहीं चाहिए। क्यों फ्रेंड्स, अब रेफरेंस नंबर में लिखने से क्या नुकसान होता है, ये हमारे आगे टैक्सेशन पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, और जब हम किसी पार्टी को स्टेटमेंट देते हैं तब इस पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए रेफरेंस नंबर में हमें कभी भी कोई वाउचर नंबर नहीं लिखना चाहिए, हमें वाउचर नंबर हमेशा इस सीरीज़ के अंदर ही लिखना चाहिए। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक है, इसको हम मैनुअली चेंज करेंगे। अब मैनुअली चेंज हम कैसे करेंगे, इसके लिए वापस हमें टेली ERP9 के होम पेज पर आना पड़ेगा, यानी कि गेटवे ऑफ टेली पे, और इसके बाद हमें जाना पड़ेगा हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जाएंगे हम वाउचर टाइप पे, और वाउचर टाइप पे इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे अल्टर बटन पे, यानी कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई नया क्रिएट वाउचर नहीं कर रहे, इसलिए हम अल्टर कर रहे हैं, अल्टर पे इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप की लिस्ट खुल जाएगी, और वो सारे वाउचर इसके अंदर मेंटेन है जो टेली ERP9 बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बने होते हैं। लेकिन अब इसके अंदर में कुछ चेंजिंग करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर पे चेंज करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर पे सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करेंगे, और हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन हमको दिख रहा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग,
मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है। अब हमें इसको यहाँ से ऑटोमेटिक से हटा के हमें इसको मैनुअली प्रेस करना पड़ेगा, हम इसको मैनुअली कर देते हैं। और उसके बाद ऑप्शन दिखेगा प्रिवेंट डुप्लीकेट, ये प्रिवेंट डुप्लीकेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो होएगा तो हम इसको भी यस करेंगे। अब प्रिवेंट डुप्लीकेट्स का मतलब कहते हैं भी एक ही सीरीज के दो वाउचर अगर पोस्ट हम करेंगे तो हमको एरर मिल जानी चाहिए, यानी कि गलती से एक बिल दो बार पोस्ट ना हो जाए तो हम ये वार्निंग दे देगा, हम इसको यस कर देंगे और इंटर इंटर प्रेस करते हैं। अभी हम बाकी किसी भी फंक्शन को हमें कोई भी यस या नो करने की जरूरत नहीं है, हम वो इसे एज इट इज ही रहने देंगे और इंटर इंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम सारे वाउचर हमारे कॉन्फ़िगरेशन की चेंज कर देंगे ऑटोमेटिक से मैनुअली, और इंटर इंटर एक्सेप्ट करते हुए इनको एक्सेप्ट कर देंगे। परचेज ऑटोमेटिक, इसको मैनुअली करेंगे, प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस करेंगे। इसी तरीके से हमारा पेमेंट वाउचर ऑटोमेटिक, इसको मैनुअल करेंगे और इसको यस करेंगे। फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंस क्या आता है, जब इसके हम अकाउंटिंग वाउचर एंट्री करेंगे तब हमारे सामने आ जाएगा। और इस तरीके से हम रिसिप्ट वाउचर में भी इसको मैनुअल और इसको यस, और इसी तरीके से हमारा क्रेडिट नोट ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल, प्रिवेंट डुप्लीकेट यस, और हमारा डेबिट नोट और इसको भी हम ऑटोमेटिक से मैनुअल इसको यस, और इंटर इंटर प्रेस करते इसको सेव कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सारे वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, हम वापस हमारे अकाउंटिंग वाउचर की स्क्रीन पे वापस आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर मारेंगे तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हमारे सामने आएगा, जहाँ पे पहले बाई डिफॉल्ट वन आ रहा था अब वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैनुअली प्रेस करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं हमें। इसी तरीके से अगर हम रिसिप्ट के वाउचर पे जाएं या पेमेंट वाउचर पे जाएं तो यहाँ पे अब देखो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ रहा, अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे शॉर्टकट हर कमांड के बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये काउंटर वाउचर क्या है, रिसिप्ट वाउचर क्या है, जर्नल वाउचर क्या है, सेल वाउचर क्या है, रिसिप्ट वाउचर क्या है या परचेज वाउचर क्या है, इन किस कौन से वाउचर में किस टाइप की एंट्री होती है, इसको हमें कोई भी वाउचर पोस्टिंग करने से पहले हम इन शॉर्टकट वाउचर्स के बारे में हम समझ लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे टेली सॉफ्टवेयर की वाउचर कमांड, यानी कि सबसे जरूरत होती है F2 की दिनांक बदलने के लिए, उसके बाद F4 कॉन्ट्रा वाउचर। अब कॉन्ट्रा वाउचर में किस टाइप की एंट्री होती है, बैंक से संबंधित होने वाली ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना, बैंक से कैश निकलवाना या बैंक से बैंक ट्रांजेक्शन करना। अब बैंक से बैंक ट्रांजेक्शन कैसा हो गया, जैसे हमारे बिजनेस के अंदर दो अलग अलग बैंक के अंदर खाते हैं और उनके आपस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है, उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। F5 के अंदर पेमेंट वाउचर, यानी कि नकदी या बैंक से भुगतान संबंधित, हम किसी भी कस्टमर को या किसी भी सप्लायर को या किसी भी खर्चे का अगर भुगतान करें चाहे वो नकदी करें या बैंक द्वारा, तो हमारा पेमेंट वाउचर में ही इसकी पोस्टिंग करेंगे। रिसिप्ट वाउचर, नकदी या बैंक द्वारा पैसा प्राप्त करने से संबंधित, अगर हमारे बिजनेस के अंदर कोई पैसा आ रहा है चाहे वो नकदी आ रहा है चाहे वो बैंक के थ्रू आ रहा है, तो उसके हम रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री करेंगे। F7 में जर्नल वाउचर, यानी कि सप्लायर व कस्टमर के खाते में एडजस्टमेंट करने से संबंधित, किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट जो एंट्री होती है उस संबंधित जो जर्नल वाउचर में ही पोस्टिंग की जाती है। F8 में सेल वाउचर, ट्रेडिंग सामान बेचने से संबंधित, यानी कि जो गुड्स हमने बेचा है कस्टमर को जो इनवॉइस दिया है उसकी एंट्री सेल वाउचर में। और F9 में परचेज वाउचर, ट्रेडिंग सामान खरीदने से संबंधित, यानी कि जो सामान हमने परचेज किया है जो हमारे पास जो इनवॉइस सप्लायर ने दिया है उसकी एंट्री परचेज वाउचर में होगी। और कंट्रोल F8 यानी कि क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न संबंधित, और कंट्रोल F9 यानी कि डेबिट नोट वाउचर यानी कि परचेज रिटर्न। तो फ्रेंड अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो तरीके के होते हैं, अब डेबिट नोट के अंदर हम एक्सपेंसेस की एंट्री भी करते हैं और परचेज रिटर्न की भी करते हैं, और क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री हम सेल रिटर्न की भी करते हैं और किसी भी टाइप के अगर कोई इनकम या कोई एडजस्टमेंट है तो वो क्रेडिट नोट में भी करते हैं। अब इनको हम जब रियल प्रैक्टिकल वाउचर से जब पोस्टिंग करना सीखेंगे तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारी टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे और वहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर से एंट्रियाँ करने सीखेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर के लिए सबसे पहले हम चलते हमारी जर्नल एंट्रियों पे, और ये हमारी जर्नल एंट्री, हमारी पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश कुमार, यानी कि इस एंट्री के हिसाब से हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी राजेश कुमार ने, यानी कि कैपिटल पूंजी लगाई थी। तो इसकी एंट्री हम हमारे रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट की कमांड हमारी F6, तो F6 हम टाइप करेंगे और क्रेडिट में हम टाइप करेंगे राजेश कुमार, क्योंकि राजेश कुमार पैसा लगाने वाला है और कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, और कैश को हम डेबिट करेंगे, और इसका नरेशन हमारा बन जाएगा कैपिटल
इंट्रोड्यूस और एंट्री इंट्रोड्यूस को उसको एक्सेप्ट कर देंगे। और हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी वह किराना गुड्स अकाउंट टू राम एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स हम जितनी भी अब जो हमारी जनरल एंट्री है अब इनको जनरल एंट्रियों से यहाँ से डायरेक्टली एंट्री हम नहीं करेंगे, अब इन्हीं एंट्री को डायरेक्टली इनके वाउचर के थ्रू एंट्री करेंगे, यानी कि इसका जो राम एंटरप्राइजेस का जो हमारा परचेज इनवॉइस था उस परचेज इनवॉइस के आधार पर हम इसकी एंट्रियाँ बनाएंगे हमारे टैली के अंदर। और इसका इनवॉइस हमारे सामने था ये राम एंटरप्राइजेस का, तो अब इसकी एंट्री हमारे टैली में करेंगे F9 यानी कि परचेज वाउचर में। और सबसे पहले हमको इनवॉइस नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और इनवॉइस नंबर था इसका 654 और हम इसका सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी इसको टाइप कर देंगे और पार्टी अकाउंट नेम में राम एंटरप्राइजेस और परचेज अकाउंट में किराना गुड्स GST फ्री परचेज जो हमने ऑलरेडी लेजर बना रखी है। और नेम ऑफ आइटम के अंदर हमारी पहली आइटम है शुगर और क्वान्टिटी, अब क्वान्टिटी हमने कितनी परचेज करी थी 10 क्विंटल और हम यहाँ पर टाइप करेंगे इसके अंदर 10 क्विंटल, तो ऑटोमेटिकली इसने 1000 kg के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमने इसकी अल्टरनेट यूनिट ऑलरेडी बना चुकी थी। और आपको अल्टरनेट यूनिट कैसे बनाई जाती है इसके लिए हमारा पिछले वीडियो जरूर व्यू कर लेंगे जिसके अंदर स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट की जाती है उसके अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो फ्रेंड अब इसकी अमाउंट हम यहाँ पे टाइप करेंगे, नेट अमाउंट है जो 31,721 रुपये, तो इसने पर केजी के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर इसका इनवॉइस अगर हम देखें तो इनवॉइस के अंदर यहाँ पे 3172.10 रुपये पर क्विंटल का रेट यानी कि 3172.72 रुपये पर केजी का रेट ऑटोमेटिकली इसने टैली ने पिक कर लिया। और हमारी जो नेक्स्ट आइटम है T1 kg यानी कि 20 पैकेट, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे टी और हमारे पैकेट थे 20 और अगर हम यहाँ पे 1 kg का अगर टाइप करेंगे तो 1500 रुपये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पर है 20 पैकेट और 1500 रुपये। अगर हम यहाँ पे 1500 रुपये लिखेंगे तो 75 रुपये पर पैकेट के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली हमें बता देगा। और नेक्स्ट आइटम थी हमारी राइस और राइस की जो क्वांटिटी थी हमारी 50 kg और 4500 रुपये पर केजी के हिसाब से 2250 रुपये, तो अभी टोटल हमारा 35,471 रुपये एज पर इनवॉइस के हिसाब से हमारा अमाउंट मैच हो गया और हम इसको एंटर एंटर एक्सेप्ट करते हुए बिल को एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे नरेशन, नरेशन का मतलब इस इनवॉइस संबंधित अगर कुछ भी हमें टाइप करना हो, कुछ भी क्लेम संबंधित या कुछ भी गुड संबंधित या कुछ कोई डैमेज है या कोई एक्सपायरी माल हमारे पास आ चुका है या मतलब गाड़ी का नंबर क्या था या बाई ट्रांसपोर्टेशन का नंबर क्या नाम है या जो बाई सेल्फ हम लेके आए, तो कुछ भी नरेशन अगर हम लिखना चाहें इस इनवॉइस के संबंधित तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई सेल्फ, ये माल हमारे खुद के द्वारा लेके आएंगे। अगर हम किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके आए तो ट्रांसपोर्टेशन का नाम और उसका बिल्टी का नंबर वगैरह और ट्रक के नंबर वगैरह हम टाइप कर देंगे और इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा परचेज का इनवॉइस था जो यहाँ पे हमने सेल मतलब पोस्टिंग कर दिया टेली ERP ने। अब नेक्स्ट हमारी सेल्स इनवॉइस, मुकेश कुमार अकाउंट डेबिट टू किराना गुड्स। अगर इस इनवॉइस की हम बात करें तो हमारे पास इनवॉइस इसका रहेगा ये श्री श्याम ट्रेडर्स मुकेश कुमार को। अब ये हमारा सेल इनवॉइस है तो हम इसको टेली के सेल इनवॉइस में टाइप करेंगे यानी कि सेल इनवॉइस की कमांड जो हमारी रहेगी F8। हम कीबोर्ड से F8 भी टाइप बटन प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का सेल का देगा। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे जो हमारा इनवॉइस नंबर था यानी कि 001 और पार्टी अकाउंट नेम मुकेश कुमार को सेल किया था तो मुकेश कुमार का नाम है। और यहाँ पर अब किराना गुड्स सेल्स ऑटोमेटिकली ही ये वहाँ पे पिक कर लेगा ये, क्योंकि परचेज के अंदर इसने परचेज उठाया था और सेल के अंदर ये ऑटोमेटिकली ही सेल उठाएगा। और नेम ऑफ आइटम के अंदर हम टाइप करेंगे शुगर और जो हमारी क्वांटिटी थी 50 kg और जो अमाउंट थी हमारी 1836 रुपये यानी कि 3672 रुपये पर केजी के हिसाब से। और नेक्स्ट आइटम थी हमारी टी 6 पैकेट और 170 यानी कि 1020 रुपये, तो इस तरीके से 5856 रुपये का एज पर इनवॉइस हमारे साथ ये मैच हो गया। तो इस तरीके से हम ये सारे इनवॉइस हमको पोस्ट करने पड़ेंगे और यहाँ पे कुछ भी अगर इस इनवॉइस से संबंधित कुछ भी हमें नरेशन लिखना हो तो हम टाइप कर सकते हैं भी ये जो सामान है ये भाई मुकेश कुमार सेल्फ लेके गया था या इसका कोई भी फैमिली मेम्बर्स लेके गया था या किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमने इसको सामान भेजा है या किस मतलब गाड़ी के थ्रू भेजा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें इस इनवॉइस से संबंधित लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर है, अगर नहीं लिखना तो हम इसको एंटर एंटर करके भी एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट इन बिल था 002 नंबर और वो इनवॉइस हमारे पास था 002 रवि कुमार का, लेकिन ये बिल है जो केस का नगद था। तो अब यहाँ पे हम रवि कुमार की बजाय हम टाइप करेंगे केस को, क्योंकि अब रवि कुमार से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने नगद पैसे हमको दे दिए थे।
और जो हमारा इनवॉइस था इसके अंदर, इनवॉइस के अंदर जो डिटेल थी हमारी शुगर क्वांटिटी 95 kg और जो अमाउंट थी हमारी 3515 रुपये। और नेक्स्ट आइटम इसकी थी राइस की, और राइस की जो क्वांटिटी है kg और 997 इसके अमाउंट बन गई। तो इस तरीके से 4512 रुपये का टोटल इनवॉइस बन गया एज पर इनवॉइस के हिसाब से। तो राइस 9 kg और 997 रुपये की, शुगर हमारी 95 kg 3515 रुपये की, और ये हमारे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंड पे की है। तो इस तरीके से हमारे टोटल इनवॉइस के संबंधित ये हमारे मिलान होते जाएंगे। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें बी सोल्ड टू रवि कुमार, हमें पता चलते भी रवि कुमार हमारे से माल लेके गया था, और इसको हम इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 3 नंबर इनवॉइस भी था, 3 नंबर इनवॉइस एज पर ये हमारे पास केस का था। अब इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं है, केस है तो भी हमें केस ही टाइप करेंगे। और इसके अंदर हमारी जो आइटम थी शुगर, क्वांटिटी थी इसकी 21 kg और इसकी अमाउंट है 911 रुपये। और इस तरीके से हमारी नेक्स्ट आइटम थी टी, 9 पैकेट थे और अमाउंट है इसकी 1575 रुपये। और नेक्स्ट आइटम थी राइस, क्वांटिटी इसकी 18 kg और 954 रुपये। तो इस तरीके से 3440 रुपये का इनवॉइस हमारे पास एज पर वाउचर के अनुसार मैच हो गया। तो इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास परचेज और सेल्स की इनवॉइस हमारे पास एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन थी हमारी 5 तारीख की, रिसिप्ट वाउचर श्री श्याम ट्रेडर्स यानी कि हमारी तरफ से मुकेश कुमार, जब हमें 1000 रुपये नकद दे के गया था तब हमने उसको रिसिप्ट वाउचर दिया था 1 नंबर, यानी कि अब पैसा हमारे पास इस वाउचर के थ्रू आ रहा है, यानी कि कैश रिसिप्ट। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि नगद प्राप्ति पत्र, तो अब हमारे लिए ये रिसिप्ट वाउचर बन जाएगा। रिसिप्ट कमांड हमारी F6 है, F6 के अंदर अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे हमारा रिसिप्ट का नंबर यानी कि 01 और मुकेश कुमार अमाउंट 1000 और डेबिट में इसको कैश। फ्रेंड्स, कोई भी अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करने से पहले हमें उसके गोल्डन रूल्स पता होने जरूरी है, भी इस वाउचर के थ्रू इसमें क्या डेबिट होने वाला है और क्या क्रेडिट होने वाला है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वाउचर पोस्टिंग करने से पहले। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे कैश रिसिप्ट, एंट्री इंटरेस्ट को सेव कर देंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी कैश रिसिप्ट, यानी कि हमने राम एंटरप्राइजेज को भुगतान किया था 2000 रुपये का, तो राम एंटरप्राइजेज ने हमें 1344 नंबर की रिसिप्ट दी थी। अब हमारे लिए ये पेमेंट वाउचर बनेगा, और पेमेंट वाउचर की कमांड F5, और F5 के अंदर हम यहाँ पे वो रिसिप्ट नंबर डालेंगे जो राम एंटरप्राइजेज ने दिया था यानी कि 1344, और डेबिट, अब डेबिट हम किसको करेंगे, राम एंटरप्राइजेज को, और अमाउंट थी हमारी 2000 और क्रेडिट में कैश। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे द कैश पेमेंट टू राम एंटरप्राइजेस। अगर कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम इसके अंदर और भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 5 तारीख की जो भी हमारे पास जर्नल एंट्री थी वो सारी हमने एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि टेली अंदर वाउचर के अंदर पोस्टिंग कर दी है। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास वाउचर नंबर 6 तारीख के वाउचर से जो वो भी हम टाइप करेंगे, और उन्हीं को भी वाउचर के तरह ही टाइप करना सीखेंगे। तो हम चलते हमारी 6 तारीख की डिटेल पे। तो फ्रेंड्स, 6 तारीख के अंदर पहला वाउचर हमारे पास सामने ये था भी हमने HDFC बैंक के अंदर 20000 रुपये नगद जमा करवाए थे। हालांकि फ्रेंड ये जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास, अब ये वाउचर ही हमारे पास रहेगा और ये हमारा बैंक में चला जाएगा, तो हमको जो एंट्री करनी है वो इसी वाउचर के थ्रू करनी है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे भी हमारे सामने केवल ये वाउचर ही रहता है। अब हमने 6 तारीख के अंदर श्री श्याम ट्रेडर्स यानी कि हमारे बैंक का जो अकाउंट है HDFC बैंक के अंदर, उसमें हमने 20000 रुपये नगद जमा कराए हैं, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर हमारी तरफ से बनेगा। तो हम कॉन्ट्रा वाउचर की कमांड हमारी F4, और अब हमारी जो डेट है 6 तारीख, तो डेट बदलने के लिए F2, अब यहाँ पे 6 तारीख। अब क्रेडिट हम किसे करेंगे, कैश को, क्योंकि हमने बैंक में कैश जमा कराया है तो कैश हमारे पास जा रहा है, तो जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, और अमाउंट यहाँ पे 20000 रुपये, और डेबिट करेंगे हम HDFC बैंक को। तो जैसे HDFC बैंक में डिटेल करेंगे तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे पूछेगा, तो हम इसके अंदर हम टाइप कर देंगे भी 2000 वाली जो संख्या थी हमारे पास कितनी थी 10, तो वो भी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे।
तो इस तरीके से 20,000 रुपये की एक्सेप्ट हो जाएगी और एंट्री इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर देंगे। और जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारे पास, वाउचर है हमारे पास 6 तारीख का, यानी कि राम एंटरप्राइजेज को हमने 12,000 रुपये का चेक के थ्रू भुगतान किया 6 तारीख में, यानी कि हमारी तरफ से ये पेमेंट वाउचर बन चुका है। तो हम इसको F5 के पेमेंट वाउचर में दें और यहाँ पर हम टाइप करेंगे चेक नंबर। ये जो वाउचर नंबर हमको शो हो रहा है यहाँ पर, हम उस चेक का चेक नंबर यानी कि ये वाला 52400, तो हम दिल्ली वाउचर में 52000 और यहाँ पर राम एंटरप्राइजेस, अमाउंट इसकी 12,000 रुपये। अब यहाँ पर हम इसको कैश नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको नगद नहीं दिया, HDFC बैंक के थ्रू पेमेंट करिए, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे HDFC बैंक। और जैसे हम HDFC बैंक सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे चेक नंबर यहाँ पर भी इसका इन्फॉर्मेशन देनी होती है और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी भी, हमारे पास मुकेश कुमार का चेक आया था 1,000 रुपये का। तो फ्रेंड्स अब हमें पता है भी जब मुकेश कुमार हमें चेक दे के जाएगा तो ये जो चेक है, अब ये चेक हमारे पास बैंक में चला जाएगा, तो केवल हमारे पास जो वाउचर रहेगा वो ये वाउचर रहेगा और हमें जो एंट्री करनी है केवल इसी वाउचर को देख के ही करनी है। अब ये वाउचर हमारा क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं भी। मुकेश कुमार ने SBI बैंक का चेक दिया था 1,000 रुपये का, यानी कि मुकेश कुमार के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है बैंक के अंदर, तो मुकेश कुमार के क्रेडिट करेंगे, यानी कि हमारी तरफ से ये रिसिप्ट वाउचर बनेगा और हम F6 में रिसिप्ट करेंगे। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे चेक नंबर, जो चेक नंबर मुकेश कुमार ने हमें दिया है, चेक नंबर था हमारा 950020, यानी कि 950020 और क्रेडिट में टाइप करेंगे मुकेश कुमार और अमाउंट चेक का जो अमाउंट थी 1,000 रुपये। और अब उसने नगद नहीं दिया, चेक दिया और चेक हमने लगाया HDFC बैंक में, तो हम HDFC बैंक को डेबिट करेंगे और इसका चेक नंबर एक बार हम यहाँ पर भी टाइप कर देंगे और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी विकासन अपराजू, यानी कि हमने विकासन अपराजू को 100 रुपये का चेक के थ्रू भुगतान किए और चेक का नंबर था 520001, तो हम इसकी भी हमारी तरफ से पेमेंट वाउचर है तो हम इसको भी पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो 520001 और हम यहाँ पे टाइप करेंगे विकासन ऑफ राज्य और 100 रुपीज़। अब इसको हमने चेक के थ्रू दिया HDFC बैंक का, तो हम HDFC बैंक की क्रेडिट करेंगे 24001, यहाँ पर भी हम इसका चेक टाइप करेंगे। और अगर इसका हम कुछ नरेशन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहिए तो हम इसका नरेशन लिख सकते हैं, इसको भी अगेंस्ट शो प्रिंट, हमने ये दुकान किराए के अगेंस्ट में भुगतान किया है और एंटर एंटर मार्क इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी डेबिट नोट, यानी कि श्री श्याम यानी कि हमारी फर्म के द्वारा दिया गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि हमने राम इंटरप्राइजेस को 1,000 रुपये का जो भुगतान है वो नेट बैंकिंग के थ्रू किया है, किसी भी ऐप के थ्रू हो सकता है वो पेटीएम गूगल पे या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो उसके हमारे पास कोई वाउचर नहीं है, तो ये हमने हमारा जो सेल्फ मेड वाउचर है डेबिट नोट, वो डेबिट नोट हमने तैयार कर रखा है, तो हम इसको राम एंटरप्राइजेस को डेबिट करेंगे और HDFC बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो ये भी हमारे लिए पेमेंट वाउचर ही रहेगा। और यहाँ पर हम अब चेक नंबर की जगह UTR नंबर टाइप कर देते हैं जो हमारे पास बैंक के थ्रू हमें जो मिलता है, यहाँ पे जो HDFC बैंक का जो रेफरेंस नंबर का जो मैसेज हमारे पास आता है वो मैसेज नंबर हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर के अंदर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हम इसकी एंट्री करेंगे राम एंटरप्राइजेस और इसके जो अमाउंट है 1,000 और इसी तरह HDFC बैंक को ही क्रेडिट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं भी नेट बैंकिंग के थ्रू हमने ट्रांसफ़र किया है और यहाँ पर इसका कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन UTR नंबर वगैरह हम दोबारा यहाँ से टाइप करना चाहिए नरेशन में तो लिख सकते हैं, या भाई हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर जैसे हमने मोबाइल ऐप से वगैरह किया है या नेट बैंकिंग से किया है तो वो भी हम टाइप कर सकते हैं और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारे पास क्रेडिट नोट, यानी कि श्री श्याम हमारी फर्म का क्रेडिट नोट हमने इशू किया है किसके एवज में, मुकेश कुमार, यानी कि मुकेश कुमार ने 500 रुपये का ट्रांसफ़र किया है हमारे बैंक के अकाउंट में, यानी कि इसने चेक न देने के बजाय उसने हमारे मोबाइल बैंकिंग से ही इसने सीधा डायरेक्टली हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये भी हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो ये भी हमारे लिए रिसिप्ट वाउचर ही बनेगा। तो हम इसके मुकेश कुमार की क्रेडिट करेंगे और HDFC बैंक को डेबिट करेंगे, तो ये हमारे लिए रिसिप्ट यानी कि F6। अब यहाँ पर भी हम टाइप कर सकते हैं इसका UTR नंबर,
जो हमारे पास मैसेज आएगा, और इस तरीके से हम मुकेश कुमार को करेंगे क्रेडिट 500 रुपये से, और HDFC को डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं भी इसने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी थ्रू ट्रांजेक्शन जो करी है वो टाइप कर सकते हैं, और इसका UTR जो मैसेज हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और एंट्री एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो टोटल हमारी 6 तारीख की जो भी ट्रांजेक्शन थी वो ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरीके से हमारे पास 30 तारीख की जो ट्रांजेक्शन थी वो हम इसके जो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ थी हमारी, यानी कि एक बैंक चार्जेस की एंट्री और दूसरी शॉप रेंट की एंट्री, वो भी हम 30 तारीख के अंदर एंट्री करके देख लेते हैं। तो हम टाइप करेंगे F2 डेट बदलने के लिए, और यहाँ पर टाइप करेंगे 30 अप्रैल, यानी कि 30.4। तो हमारे पास जो पहली एंट्री थी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, यानी कि जो बैंक से संबंधित एंट्री है, यानी कि बैंक चार्जेस मेल लगे, तो हम इसको पेमेंट वाउचर के अंदर इसकी पोस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे इसके लिख देंगे एक्सपेंसेस, यानी कि हमारा बैंक का खर्चा है, और हम इसके अंदर बैंक एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे 2500 रुपये से, और HDFC बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर एक्सपेंसेस यानी लिख सकते हैं हम भी अप्रैल मंथ एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस आपका कुछ भी सर्विस का हो सकता है, चाहे चेकबुक का हो सकता है, चाहे नेट बैंकिंग का हो सकता है, चाहे आपके SMS सर्विस का भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर से हम यहाँ पर भी लिख देंगे भी टोटल अप्रैल मंथ सर्विस चार्जेस, और एंट्री एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारे पास शॉप रेंट की, यानी कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है, हम शॉप रेंट को डेबिट करेंगे और विकासन ऑफर राजू को क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी जनरल वाउचर की एंट्री बनेगी, और हम इसको टाइप करेंगे डेबिट करेंगे शॉप रेंट को, जो हमारे पास अमाउंट थी इसकी 100 रुपीज़, और हम इसको 100 रुपीज और विकास सन ऑफ राजू को क्रेडिट करेंगे। और इस तरीके से हम इसका नरेशन बन जाएगा भी अप्रैल मंथ शॉप रेंट पेड एडजस्टमेंट, यानी हमने जो पिछले चेक के थ्रू विकास सन ऑफ राजू को जो चेक के थ्रू भुगतान किया था वो हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है, और इसको एंटर एंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो टोटल जनरल वाउचर थे, यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर थे हमने बनाए थे, उस वाउचर के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्टिंग कर दी है। अब हम इसका सीखते हैं भी इसका लेजर के थ्रू इसका मिलान कैसे होएगा, और हम चलते हैं हमारी लेजर बुक्स पर। तो इस तरीके से हमारे पास ये लेजर बुक्स थे, और हम टेली ERP9 के अंदर लेजर बुक्स को कैसे देखना सीखेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले टेली के होम पेज पर आएंगे, यानी कि एस्केप का बटन प्रेस करते हुए गेट वे ऑफ टेली पे, और इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले पर। ये हमारे पास फंक्शन दिखेगा डिस्प्ले का, और हम डिस्प्ले पे इंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम 3 नंबर फंक्शन जो हमारे पास आ रहा है अकाउंट्स बुक का, हम अकाउंट्स बुक पे इंटर प्रेस करेंगे इंटर, और उसके बाद में लेजर यानी कि सेकंड ऑप्शन जो लेजर हमें दिख रहा है इस पर इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे लेजर पे प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ लेजर यानी कि जितने भी लेजर हमारे पास बने हुए थे सबकी लिस्ट हमारे सामने खुलेगी। अब इस तरीके से हम टोटल लेजर कि ट्रांजेक्शन जो हुई है यहाँ से हम देखेंगे। तो पहला लेजर हमारे पास है मैनुअल बुक्स के अनुसार राजेश कुमार का, अगर हम यहाँ से राजेश कुमार का अगर लेजर हम टाइप करें राजेश कुमार इंटर प्रेस करेंगे तो सेम वही ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे देखी, यानी कि ओनली क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपये का, डेट हमारी 5 अप्रैल, और कैश रिसिप्ट वाउचर हमारे यहाँ पे बने, और ये हमारी जनरल एंट्रियों के अनुसार हमारा लेजर तैयार हुआ है। और जो नेक्स्ट एंट्री थी हमारी किराना गुड्स की, अब किराना गुड्स हमारी मैनुअल बुक्स के अंदर हमने एक ही लेजर बनाया डेबिट और क्रेडिट का, और टेली के अंदर हमने अलग अलग बनाए हैं। तो हम टाइप करेंगे किराना गुड्स परचेज, तो किराना गुड्स परचेज एक ही आ रहा है 35,471 का, और हमारे पास भी 35,471 का डेबिट साइड में एक साइड में बैलेंस आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्रेडिट साइड का बैलेंस भी हम चेक करेंगे किराना गुड्स सेल का, तो जो टोटल ट्रांजेक्शन आया 10,808 की, और ये भी 10,808 की, यानी कि जो 3 ट्रांजेक्शन मैंने करी थी 5 तारीख के अंदर वही मुकेश कुमार को केस और केस, तो इसी तरीके से मुकेश कुमार केस केस 2856, 4512 और 3440, तो सेम ट्रांजेक्शन हमारे पास टेली ERP9 के अंदर भी शो होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी केस का, और इसी तरीके से हम केस का भी लेजर हम देखेंगे, तो केस के लेजर भी हमारे पास सेम वही ट्रांजेक्शन, यानी कि 58,952 रुपये का डेबिट साइड का टोटल, और 58,957 का डेबिट साइड का टोटल, और 22,000 रुपये क्रेडिट साइड में है, तो ये 22,000 हमारे पास क्रेडिट साइड में भी आ रहा है, यानी कि 36,952 रुपये का अभी भी हमारे पास कैश इन हैंड है। तो इस तरीके से इसके अंदर भी जो क्लोजिंग बैलेंस 36,952 है, और एज पर टेली के अनुसार भी 36,952 रुपये ही है। तो जो ट्रांजेक्शन वही ट्रांजेक्शन अब हमें यहाँ पर शो होगी,
तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट लेजर था राम एंटरप्राइजेस का, और राम एंटरप्राइजेस का अगर हम टेली के अंदर देखेंगे तो राम एंटरप्राइजेस तो कुछ इस तरीके की ट्रांजेक्शन हमें भी दिखेगी। 35,471 रुपये इसके क्रेडिट हैं, तो 35,471 हमारी मैनुअल बुक्स के अंदर भी क्रेडिट है, और इसके जो टोटल 15,000 रुपये इसके डेबिट हैं, और वही 15,000 रुपये हमारे टेली के अंदर भी डेबिट हैं। तो सेक्शन हमें टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही शो होगी जो हमने मैनुअल लेजर्स के अंदर बनाई थी। तो इस तरीके से हमारे पास मुकेश कुमार का जो लेजर है, और हम टेली में मुकेश कुमार का लेजर को देखेंगे तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर भी दिखेगी। अब 2856 रुपये टोटल डेबिट है और 2500 रुपये इसके क्रेडिट है, और वो 2856 रुपये डेबिट है और 2500 रुपये इसके क्रेडिट है, यानी कि 1000 1000 और 500 रुपये इसके क्रेडिट है। तो 1000 1000 और 500 रुपये सेम वही ट्रांजेक्शन हमें टेली के अंदर भी शो होगी। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी HDFC बैंक की, और इसमें भी हम HDFC बैंक का लेजर देखेंगे, और HDFC का डेबिट साइड हमारा 21,500 रुपये का डेबिट साइड है और 13,125 रुपये हमारा क्रेडिट साइड है। तो इसके अंदर भी हमारा सेम वही ट्रांजेक्शन हमें दिख रही है, 21,500 डेबिट और 13,125 रुपये क्रेडिट, यानी कि 8,375 रुपये का डेबिट बैलेंस अभी भी बैंक में है, और इसी अनुसार हमारा 8,375 मैनुअल बुक्स के अकॉर्डिंग भी यही आ रहा है। और विकास ऑफ राजू हमारे टेली के अंदर भी इसका लेजर देखेंगे, विकास ऑफ राजू का, तो ये हमारा 100 रुपये से डेबिट है और 100 रुपये से ही क्रेडिट है। तो इस तरीके से हमारे दोनों साइड के बैलेंस बिल्कुल बराबर है, तो इस क्लोजिंग बैलेंस इसका कुछ भी नहीं है, और ये बैलेंस हमारा एज पर बुक्स के अकॉर्डिंग भी है, यानी कि 100 रुपये डेबिट है और 100 रुपये इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका भी कुछ भी बकाया नहीं है। तो नेक्स्ट एंट्री थी हमारी शॉप रेंट की, यानी कि दुकान किराया की, और शॉप रेंट की ट्रांजेक्शन भी हम हमारे टेली में देखेंगे। तो शॉप रेंट यानी कि 100 रुपये डेबिट साइड में है, तो हमारे मैनुअल बुक्स के भी 100 रुपये डेबिट साइड में ही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी बैंक एक्सपेंसेस की, और हम यहाँ पर भी बैंक एक्सपेंसेस की एंट्री देखेंगे। तो ये बैंक एक्सपेंसेस की 2500 रुपये डेबिट साइड के अंदर है, और यहाँ पर भी डेबिट साइड में ही है 2500 रुपये की एंट्री। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन हमने मैनुअल बुक्स और कंप्यूटराइज्ड बुक्स के दोनों की मिलान करें तो बिल्कुल एग्जिट बिल्कुल बराबर आ रहा है, यानी कि हमने जो मैनुअल बुक्स बनाई थी वो हमारे बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में केवल अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट किए थे, उसने लेजर वगैरह स्टॉक वगैरह ऑटोमेटिकली ही क्रिएट कर देगा। तो इसी तरीके से अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हम देखें हमारे मैनुअल बुक्स के अकॉर्डिंग, तो मैनुअल बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हम चेक कर लेते हैं भी, जो हमारा टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है क्या वही हमारा मैनुअल बुक्स में भी आ रहा है। तो हम टेली के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमारे टेली ERP9 के होम पेज पे आएंगे, और इसके बाद हम जाएंगे स्टॉक समरी पे। स्टॉक समरी जो हमारे सामने हाईलाइट हो रहा है, स्टॉक समरी पे एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का किराना गुड्स का स्टॉक हमारे पास शो होगा, 27,415 रुपये 31 पैसे का। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना भी कौन सी आइटम का कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट शो होगी, यानी कि अब 13 kg हमारे पास राइस है, और शुगर हमारे पास 834 kg है, और 5 पैकेट हमारे पास टी के हैं। तो क्या हम ये भी हमारे पास मैनुअल बुक्स में भी है, ये भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास शुगर है 8.34 क्विंटल, यानी कि 834 kg हमारे पास है, और इसकी वैल्यू है 26,455 रुपये और 31 पैसे। तो ये हमारे पास टेली के अंदर भी 26,455 रुपये 31 पैसे ही इसकी वैल्यू आ रही है। और नेक्स्ट टी अगर 5 पैकेट है 375 रुपये के, तो वो भी 5 पैकेट हमारे पास है 375 रुपये के, हमें यहाँ भी शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 13 kg राइस है 585 रुपये के, और यहाँ पे भी 13 kg 585 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक हमने मैनुअल बुक्स में पहले निकाला, यानी कि टोटल वैल्यू हमारी 27,415 रुपये 31 पैसे का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, और ये 27,415 रुपये 31 पैसे का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है टेली के अंदर भी आ रहा है। तो इसी तरीके से यानी कि टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में केवल हमें अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करने होते हैं, सब कुछ बाकी ऑटोमेटिकली ही मेंटेन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम हमारा नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट अगर हम देखना चाहें तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आएंगे टेली ERP9 के होम पेज पे, और हम सबसे पहले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे, रिपोर्ट्स मेन्यू में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो हाईलाइट हो रखा है इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे, और यहाँ पे इसकी फुल डिटेल देखने के लिए हम यहाँ से कीबोर्ड से, चाहे आप कीबोर्ड से Alt+F1 भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे F1 डिटेल पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं Alt+F1। तो इस तरीके से हमारे सामने डिटेल खुलेगी, यानी कि किराना गुड्स हमारा 35,471 रुपये की हमारी परचेज थी, और 10,808 रुपये की हमारी सेल है, और 27,415 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास अभी तक इस बिजनेस के अंदर 2752 रुपये का ग्रोस प्रॉफिट आया है,
तो ये प्रॉफिट हमारे पास मैनुअल बुक्स में भी था क्या, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने मैनुअली बनाया था, तो इसमें भी 2752 रुपये 31 पैसे का ग्रोस प्रॉफिट है, और यहाँ पर भी 5752 रुपये 31 पैसे का ग्रोस प्रॉफिट हमारे को आ रहा है। और इस तरीके से हमारे पास एक्सपेंसेस थे 25 रुपये और 100 रुपये, और वही हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर भी बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यानी कि 2627 रुपये 31 पैसे का नेट प्रॉफिट हमारे सामने शो हो रहा है। वही हमारे पास 2627 रुपये 31 पैसे का नेट प्रॉफिट यहाँ पे टैली के अंदर भी शो हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमारा मैच हो चुका है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट के लिए हम वापस एस्केप बटन पे प्रेस करेंगे, बैक आएंगे और रिपोर्ट मेन्यू में बैलेंस शीट इस पर जाके एंटर प्रेस करेंगे, और इसको यहाँ पर भी हम फुल डिटेल देखने के लिए Alt+F1। तो सेम वही डाटा हमें यहाँ पर भी शो होएगा जो हमने मैनुअल बुक्स में बना रखा है। तो ये सेम वही प्रोसेस हमारे साथ यहाँ पे अभी आएगा। तो 20,471 रुपये हमारे पास सैंडरी क्रेडिटर हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 20,471 रुपये सैंडरी क्रेडिटर भी आ रहे हैं। और इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 27,415 का, अगर सैंडरी डेप्टर की बात करें तो 356 रुपये हमारे पास सैंडरी डेप्टर्स हैं, और क्लोजिंग स्टॉक 27,415 रुपये 31 पैसे का, तो 27,415 रुपये 31 पैसे का स्टॉक भी आ रहा है। अगर हम बात करें कैश इन हैंड की, तो कैश इन हैंड भी हमारे पास 36,952 रुपये का यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है, और यहाँ पर भी हमें टेली ERP9 सॉफ्टवेयर में भी ये शो होएगा 36,952 रुपये। और इस तरीके से हमारे पास बैंक बैलेंस 8,375 रुपये का है, तो हमें को मैनुअल बुक्स के अंदर भी हमें 2,785 रुपये का यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो ये जो टोटल बैलेंस शीट और हमारी मैनुअल बुक्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स बिल्कुल आपस में मैच हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमको मैनुअल अकाउंट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि हमने आपस में मिलान करके इसको अच्छी तरीके से देख लिया। अगर हमारे पास मैनुअल अकाउंट्स नहीं होते तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे जो टेली ERP9 अकाउंटिंग वाउचर में जो पोस्टिंग हमने करी है वो हमारी सही है या गलत है। उसके अंदर कोई भी वाउचर कोई डबल भी हो सकता है, उसके अंदर कोई वाउचर हमारा मिस भी हो सकता है। अगर हम मैनुअल बुक्स हमारे पास है तो हम इसको मिलान करेंगे तो इस टाइप की गलती हमको पकड़ में आ जाती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।